हेलो एवरीवन, मैं उसमें आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो कल है गॉस एग्जाम, प्री गॉस का आप देख चुके हैं, 1000 से भी ज्यादा व्यूज वहां पे आ चुका है। और अभी हम जाने वाले हैं गॉस एग्जाम देने, और कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वन नाइट बिफोर, और कल क्या क्या होगा वो सब आप देखेंगे। और ये हमारा लास्ट एग्जाम होने वाला है, और ये स्टेट एग्जाम है, इसी में पास करेंगे तभी डिग्री मिलता है। और इस एग्जाम के लिए अभी प्रिपरेशन चल रहा है। मैं अस्मित को बोलूंगा हमारा दिखा दें सेटअप, क्या क्या पढ़ रहे हैं हम, दिखा दो ब्रदर। ये हम अभी पढ़ रहे हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस भी हैं, और कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हैंड रिटन बनाया गया है, और यहाँ से कुछ कुछ रेफरेंस भी हम ले रहे हैं। और कल के लिए देखते हैं, कल है हाइजीन और एपिडेमियोलॉजी। सो गाइस, अभी एग्जाम का टाइम हो चुका है, और एक्चुअली एग्जाम था हमारा 11 बजे, अभी 8:30 या 9 बज रहा है, और हमें बुला लिया गया है जल्दी, वैसे रहने के लिए रेडी रहने के लिए बोला गया था पहले से ही। सो अभी मैं रेडी हो रहा हूँ, फॉर्मल पहनना है, और जब उसके होता है तब सर्जिकल पहनना होता है, उसके मतलब होता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, वो भी आप देखेंगे इस ब्लॉग पे। और आज है हमारा एक भाईवा टाइप का एग्जाम, हाइजीन और एपिडेमियोलॉजी, जैसे कि मैं कल आपको बताया था। तो चलिए चलते हैं वहां पे। अभी गॉस के लिए तैयार हो चुके हैं हम लोग, और इसके बाद चलते हैं अभी वहां पे, मिलता हूं मैं आपको एग्जाम हॉल पे। तो अभी हम हो चुके हैं रेडी दोनों, और एग्जाम देने। ऑल द बेस्ट ब्रदर, लेट्स गो। बच्चे सब रेडी हैं यहाँ पे एग्जाम्स के लिए, सब फॉर्मल में हैं, जिसको देखो व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक। कैसा रहा एग्जाम? ठीक ना? हॉल के अंदर है, 301 के अंदर हमारा एग्जाम, और अभी बच्चे लाइन लगे हुए हैं, एक एक करके जा रहे हैं। और ये है वो पैनल जो कि इवैल्यूएट कर रहे हैं। चला मैं एग्जाम देने। और एग्जाम कैसा रहा ब्रदर? ठीक रहा ना? यहाँ पे बहुत लोगों का एग्जाम हो चुका है हमारे। सो एग्जाम हो चुका खत्म, पहला एग्जाम। ये हमारा स्टूडेंट आईडी कार्ड, चिस्की बोलते हैं इसको, और ये लेके आ जाना जितने लोगों का एग्जाम है। वैसे ये मांग नहीं रहे हैं। कैसा रहा तुम्हारा एग्जाम? सही रहा ना? चलो मस्त। इनका भी 5, हमारा भी 5 पॉइंट्स होता है मैक्सिमम। सो अभी चलिए चलते हैं। सो अभी चलते हैं, पहला एग्जाम हो चुका है, कल मैं मिलूंगा आपको उसके एग्जाम में। और ये ब्लॉग 2 एग्जाम का होगा, पहला ये एग्जाम और कल का एक एग्जाम। इंस्टीट्यूट में तो अंदर ही जंगल बनाया है भाई। हम जा रहे हैं अभी सेंटर, थोड़ा कुछ काम है, और फिर आके कुछ खाना वाना बनाएंगे। हम आ चुके हैं सेंटर। ये नोटरी बनाने आए हैं भाई लोग हमारे। और कब जा रहे हो भाई? कब जा रहे हो? 25, 27। ठीक है, ऐसा एक नोटरी बनता है जो कि आप किसी दूसरे को दे सकते हैं, जैसे कि ये मेरा नाम है, ये ले सकते हैं अगर ये चाहे तो, इनका अगर बहुत हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, है 5 मिनट का प्रोसेस है ना, बस अपना पासपोर्ट और जिसको, हाँ, जिसके नाम पे बनाना है उसका पासपोर्ट, उसका पासपोर्ट बस। ओके, हाय री, इसका फोटो कॉपी निकाल लेते हैं। यहाँ पे गेमिंग जोन भी है। अभी हम आए हैं एक इंडियन, यहाँ पे जिसका नाम है लकीस इंडियन शॉप, और यहाँ पे ये कुछ मिल रहा है, आपको प्राइस का थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा, जैसे कि कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये 175 रुपया, ये 135 रुपया, यानी कि दुगना तीना गुना में मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। शाम का टाइम है, सब लोग यहाँ पे खेल रहे हैं कंपाउंड में, कोई वॉली कोई क्रिकेट कोई कुछ, अब फुटबॉल चल रहा है।
अभी हम आए थे ये फार्मेसी में ये लेने मास्क और ग्लोव्स, और ग्लोव्स इसलिए चाहिए क्योंकि कल हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसके ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन स्टेप वाइज पैटर्न में करना होता है, यानी कि प्रैक्टिकल करना होता है। वहाँ पे आप देखेंगे कल कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे चल रहा है वॉलीबॉल, ये आ गए हमारे डॉक्टर साहब। सो गाइस अभी चलते हैं उसके एग्जाम देने, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे सर्जरी होगा, गायनो का वार्ड होगा, और एनामनेसिस निकालना होगा। एनामनेसिस मतलब होता है हिस्ट्री टेकिंग, और एनामनेसिस ऑफ गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, एनामनेसिस ऑफ सर्जिकल डिपार्टमेंट, और जनरल पेशेंट का हिस्ट्री वो वहाँ पे होगा, और इसके साथ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन और कैथेटराइजेशन, ये सब प्रोसेस आप वहाँ पे देखेंगे। अगर मैं हो पाएगा, अगर परमिशन देते हैं तो अंदर भी जाके आपको दिखाऊंगा, नहीं तो बाहर से आपको मैं दिखा दूंगा। चलते हैं, यहाँ पे दोस्त लोग एग्जाम दे के आ चुके हैं कुछ। हेलो भाई, ये दोस्त लोगों का एग्जाम खत्म हो चुका है। कैसा रहा एग्जाम? मस्त। इनका अभी बाकी है, एग्जाम के लिए वेट किए हैं सबको। हेलो ब्रदर। कैथेटराइजेशन, एग्जाम देने के लिए रेडी। हेलो ब्रदर, बहुत टाइम से। अरे यार, हे बॉस, चले अभी अंदर, जस्ट हमारा अभी लाइन लगा है, लेट्स गो। चेतन बोल रहा है, उसे भी ले लो, आ जाओ। सो एग्जाम हो चुका है खत्म, और ये ब्लॉग को भी एंड करने का टाइम आ चुका है। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही और 3-4 एग्जाम्स हैं हमारे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।